हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, चाहे डिप्लोमा हो, यूजी हो, पीजी हो, और इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ये एंट्रेंस एग्जाम्स का फॉर्म अभी फिलिंग चालू है, तो हम देखेंगे कि कब से स्टार्ट है और कब ये समाप्त होंगे। साथ में ये एंट्रेंस एग्जाम्स किस डेट को लिए जाएंगे और इसका सेंटर कहाँ होगा, और वेबसाइट के बारे में भी जिक्र करेंगे कि कौन से वेबसाइट के थ्रू हम अपना ये एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपको काउंसलिंग फॉर्म के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा इसमें एडमिशन हो, क्योंकि प्लेसमेंट भी अच्छा खासा मिलता है। ये oneform.org वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट के थ्रू आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। आप यहां देख सकते हैं कि फॉर्म फिलिंग में दिया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलिंग एंड काउंसलिंग 2024-25 में करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिल्लत यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, अमित्या यूनिवर्सिटी नोएडा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप अपना यहाँ से काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहाँ आप आ जाइए और यहाँ यूनिवर्सिटी और ऑब्लिक स्कूल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद टॉप कॉलेज काउंसलिंग पे क्लिक कीजिए, देन आपका ये सारा खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, ये सारे कॉलेज में आप अपना बीटेक या जो भी कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्सों के में आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना आप पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी 5 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 होना चाहिए दोस्तों। और इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो यूजी लॉ का होता है। फिर इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है आपको 13 मार्च से स्टार्ट है, अप्रैल 10 को ये ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल 28 को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और इसका जो सेंटर होगा सिर्फ चंडीगढ़ में ही होगा दोस्तों। फिर आप यहाँ देख सकते हैं बी फार्मा, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी जूलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं दोस्तों वो सीईटी यूजी लिए जाते हैं। इस एग्ज़ाम्स का जो नाम है सीईटी यूजी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10+2 होना चाहिए दोस्तों। इसका फॉर्म फिलिंग का डेट जो है वो 27 मार्च से स्टार्ट है होगा, और 27 मार्च से स्टार्ट होगा दोस्तों, और अप्रैल 25 को ये समाप्त हो जाएंगे, और मई 12 को इसका एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। और इसका जो सेंटर होगा वो 4 जगह होगा, आपको चंडीगढ़, लुधियाना, होशियारपुर में लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैंटिंग टेक्नोलॉजी, इसके लिए जो है आपको PUT HAT इंट्रेंस एग्जाम्स लिए जाएंगे, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10+2 होना चाहिए, और अप्रैल 2, 2024 से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, और 30 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगा। 17 मई को इसका एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और चंडीगढ़ में इसका सेंटर होगा दोस्तों। फिर आप LLM 1 ईयर का करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, और इसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे वो CET PG लिए जाएंगे, और इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलिंग का अप्रैल 15 को होगा, और अप्रैल 24 को लास्ट कर दिया जाएगा, जून 15 को इसका एग्ज़ाम्स होंगे,
चंडीगढ़, लुधियाना, होशियारपुर, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। उसके बाद LLM टू ईयर का, या MCA, या MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, MA इंग्लिश, MA ज्योग्राफी, मास्टर इन डाइट्रिशन मैनेजमेंट, मास्टर इन जियो इन्फॉर्मेशन, MA हिस्ट्री, MA इन इकोनॉमिक्स, सोशल वर्कर, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल विथ स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये सारे मास्टर डिग्री का बता रहे हैं दोस्तों फैकल्टीज। फिर MTech पॉलीमर, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, MEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, MEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर सिस्टम्स, MEE सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, MEE मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, MTech मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MEE बायोटेक्नोलॉजी, MEE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MEE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में साइबर सिक्योरिटी, MEE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, MEE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MTech माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, MCOM बिजनेस इकोनॉमिक्स, MCOM मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड फैमिली बिजनेस। ये सारे MBA, MCOM, ये जो यहाँ पे दोस्तों जो भी कोर्स शो कर रहे हैं कि MSc में जैसे हो गया कि आपको बायोकेमिस्ट्री, MSc में हो गया बायो फिजिक्स, फिर MSc में हो गया आपको मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स में आपको स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc में जियोलॉजी, MSc टू ईयर कोर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MSc टू ईयर कोर्स एनवायरमेंट साइंस, MSc टू ईयर कोर्स ह्यूमन जेनेटिक्स। ये सारे जो टू ईयर्स के मास्टर डिग्री हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इन सब के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम्स लिए जाएंगे दोस्तों वो आपको CET PG लिए जाएंगे, और इसका सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये 15 अप्रैल से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 24 अप्रैल को लास्ट किया जाएगा दोस्तों। फिर June 15 को इसका एग्ज़ाम लिए जाएंगे सैटरडे के रोज। और फिर इसका जो सेंटर है वो आप देख सकते हैं चंडीगढ़, लुधियाना, होशियारपुर। और फॉर्म फिल आप ये वेबसाइट यहाँ शो कर रहा है, यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहिएगा दोस्तों तो एक वेबसाइट है oneform.in.org, उस पर जाके आप करवा सकते हैं दोस्तों। फिर आपको यहाँ देख सकते हैं कि LLB 3 ईयर का कोर्स यदि करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन, और PG लॉ इसका एग्जाम्स लिए जाते हैं और 25 अप्रैल को स्टार्ट है, 31 मई को समाप्त हो जाएंगे इसका फॉर्म फिलिंग डेट, और 23 जून को इसका एग्जाम्स लिए जाएंगे संडे के रोज। और ये वेबसाइट यहाँ डाला हुआ है, और इसका जो सेंटर होगा वो चंडीगढ़ में होगा दोस्तों। फिर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा डिग्री धारी हैं पॉलिटेक्निक किए हुए हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये PU लेट एग्जाम्स इंट्रेंस एग्जाम्स का नाम है, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसका फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो 1 मई को है और समाप्त होगा 4 जून को समाप्त हो जाएगा, और 22 जून को इसका जो है एग्जाम्स होंगे और चंडीगढ़ इसका सेंटर होगा दोस्तों। आशारे का यह वेबसाइट डाला हुआ है,
आपको ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। फिर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप माइग्रेशन फॉर्म बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, यदि कोई स्टूडेंट कहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर पास हो चुके हैं तो वो चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हम अपना एडमिशन लें, तो इसके लिए आपको जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो पी यू मीट इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा। इसका फॉर्म फिलिंग डेट आपको मई 2 से चालू है और जून 5 को समाप्त हो जाएगा और जून 22 को इसका एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और चंडीगढ़ इसका सेंटर रहेगा दोस्तों। और ये वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ है। फिर आप यहाँ MBA प्रोग्राम्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, MBA USOL जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स का नाम है वो आप देके अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 21 मई से स्टार्ट है, जून 8 को समाप्त हो जाएगा, 28 जून को ये एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और चंडीगढ़ और लुधियाना इसका सेंटर रहेगा। और ये वेबसाइट, ये सारे वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो